गुना डाक संभाग के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज 1 मई है, गर्मियों के दिन है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ। आज से 1 माह के लिए हम एक विशेष अभियान प्रारंभ करने जा रहे हैं, ज्ञानोदय अभियान। ज्ञानोदय अभियान इसलिए है ताकि हम सबके भीतर ज्ञान का उदय हो सके। यह ज्ञान का उदय क्या है? यह ज्ञान का उदय है, हम जिस विभाग में काम कर रहे हैं उस विभाग की सभी योजनाओं का ज्ञान हमें अर्जित हम कर सकें, ताकि उस ज्ञान को हम दूसरों तक पहुंचा सकें। आज पहले 1 मई को हम सब यह संकल्प करें कि हम एक डाक कर्मियों की बनने की दिशा में पहला कदम बढ़ाएंगे और एक सार्थक कदम बढ़ाएंगे, ताकि 1 माह के भीतर हम अपने डाकघर की सभी योजनाओं को इस तरह से याद कर लेंगे ताकि हम उन्हें दूसरों तक पहुंचा पाएंगे। आप देख रहे हैं मई का महीना है, धरती तप रही है। ये तपन क्यों है? ये तपन इसलिए है ताकि यह एक तैयारी है, बारिश की तैयारी है, मानसून की तैयारी है, बरसने की तैयारी है। और आप देखेंगे जून और जुलाई में पूरी धरती बादलों बादल बरसेंगे और धरती में पूरी में हरियाली छा जाएगी, एक नए जीवन का सृजन होगा। तो आप, मैं इसको इस रूप में लेता हूं कि हम भी इस मई माह में एक तैयारी करें, इस ज्ञान को अपने भीतर अर्जित करें, और जब इस ज्ञान से भर जाएंगे तब अगले माह में जून में जुलाई में उस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाएं और जन कल्याण की वारिस हमारे द्वारा हो सके, हम सबके द्वारा हो सके। आपको यह जानते हुए शायद प्रसन्नता होगी कि हमारे 3 जिलों में 950 से अधिक कर्मियों की हमारे डाक विभाग में काम कर रहे हैं, गुना डाक संभाग में। तो मैं चाहता हूं कि हमारा एक एक कर्मयोगी विभाग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करे। आप अपने रिश्तेदारों को, अपने पहचान वालों को, अपने दोस्तों को डाकघर के बारे में बता सकें और उसकी योजनाओं के बारे में समझा सकें। इस ज्ञानोदय अभियान के द्वारा हम सब अपनी सृजन का उपयोग करके डाकघर की योजनाओं का प्रचार प्रसार करें, स्वयं उसको उस ज्ञान को अर्जित करें और उसको फैलाने का काम करें। मैं पिछले दिनों में देख रहा था कि कई हमारे जीडीएस साथी बहुत अच्छे पोस्टर्स बना रहे हैं, बहुत अच्छी कविताएं बना रहे हैं। तो अपना जो सृजन है वो सृजन आप दिखाइए अपनी इन योजनाओं के माध्यम से, और सभी SPM से, सभी इंस्पेक्टर से, ASP, हमारे मेल ओवरसियर्स, हमारे सभी स्तर के कर्मयोगियों से मैं अपील करता हूं कि इस 1 माह को हम इस तरह से, इस महीने को इस तरह से बिताएं कि एक एक ऑफिस में हमारा ये जीवंत इस तरह के केंद्र हमारे ऑफिस बन जाएं जहां पर सार्थक चर्चाएं हो रही हैं। व्यर्थ के कामों में ऊर्जा हम बर्बाद ना करें, बल्कि हम अपने जो भी हमारे उप डाकघर हैं, प्रधान डाकघर है, उनमें छोटी छोटी कार्यशालाएं आयोजित किए जाएं, हमारे GDS साथी एक दूसरे से बात करें, संवाद करें, और नाटकीय माध्यम से, नाटक के द्वारा मंचन करके वो उन योजनाओं के बारे में सीखें, दूसरों को सिखाने का काम करें। और जो कोई भी व्यक्ति जिस भी तरह की क्रिएटिविटी दिखा सकता है, सृजनात्मकता दिखा सकता है, वो उस माध्यम से इन योजनाओं को दूसरों तक पहुँचाने का काम करें। आप समझिए कि हमें अपना दीपक जलाना है और हमें ये 950 जो हमारे दूसरे साथी हैं इन सब के दीपक को भी जलाना है। तो आप सोचिए कि अगर हम सब लोग मिलकर ये काम कर लेंगे तो हम एक कितना बड़ा परिवर्तन, अगर ये इतने दीपक हमारे ज्ञान के दीपक जल जाएंगे तो हम कितना बड़ा परिवर्तन इस पूरे क्षेत्र में लाने का काम कर पाएंगे, ये हम समझ सकते हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस मई माह में इस हमारे ज्ञानोदय अभियान को आप लोग सफल बनाएंगे, और एक कोई भी एक व्यक्ति ऐसा ना बचे जो हमारी डाकघर की योजनाओं के ज्ञान से वंचित हो जाए। सृजन का मौसम है, आप देख रहे हैं कि गुलमोहर में कितने सुंदर फूल खिल गए हैं, नए पत्ते पेड़ों में आ गए हैं। तो हम क्यों सृजन नहीं कर सकते हैं? हम क्यों अपने भीतर की प्रतिभा को छुपाए हुए बैठे हैं? तो आप सभी लोग जो भी जिस तरह से भी ये कर सकते हैं, जिस तरह से भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं, वो सब लोग सामने आए और न केवल खुद एक आत्मविश्वास के साथ में उन योजनाओं को हम सीखें, बल्कि हम इतना काबिल हों कि हम 50 लोगों में उन योजनाओं की अभिव्यक्ति भी कर पाएं। तो इस अभियान का हमारा उद्देश्य केवल ये नहीं है कि हम उन योजनाओं को याद कर लें, बल्कि
हम उनको दूसरों तक भी पहुंचा सकें, इतना हमें काबिल बनना है, इतना हमें सक्षम बनना है। तो इस तरह से इस अभियान को एक माह तक हम एक एक ऑफिस में चलाएंगे, इसकी विस्तृत कार्य योजना भी हम तैयार करेंगे और आप सभी लोग मिलकर, हम सब लोग मिलकर इस गुना डाक संभाग को एक ऐसा संभाग बनाएंगे जहां हमारा एक एक व्यक्ति डाकघर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम कर पाएगा और लोगों तक ये ज्ञान का जो रोशनी है, ये ज्ञान का जो दीपक है, इस लोगों के बीच में हम ले जाने का काम कर पाएंगे। अभी हमने कुछ दिनों पहले एक डाकघर चित्र कथा का प्रकाशन, ई प्रकाशन करवाया था, आपने देखा कि कितना सुंदर सृजन करके हमने उन योजनाओं को आप लोगों के बीच में पहुंचाया है और वो पढ़कर भी आप लोग सब योजनाओं को याद कर सकते हैं। तो मेरी आप सभी से विनम्र अपील है कि हमारे इस अभियान में जुड़ें और इस अभियान को सफल बनाएं। है एक टीम है एक ही सपना, गुना डिवीजन आगे अपना। धन्यवाद।